असलम वेलकम बैक टू अनदर अपडेट एंड टोडेट डिस्कस अबाउट लेजियो फैन टोकन स्पेशली एंड उसके साथ जो है हम कुछ ऐसे कॉइन्स जो के फ़ैन टोकन्स हैं उनके बारे में आज जानेंगे और देखेंगे कि इनके अंदर जो एक हीज पम्प है उसकी रीज़न साथ ही साथ अभी मैं आपको बताता चलूँ कि इनके अंदर जिन कोइंस के अंदर अभी तक आपको प्लस टेन परसेंट तक गेन नहीं देखने को मिला वो अभी पम्प जल्दी ही करने वाले हैं So, uh, बगैर किसी देर के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं देन सारी चीजों को वन बाई वन डिस्कस कर सो so, पहली बात जो uh, अभी टोकन का चार्ट जो है वो ओपन हुआ है अब देख सकते हैं कि यहाँ पे इस रैली के अंदर इसने ऑलमोस्ट थ्री डॉलर के करीब से अपना स्टार्टअप लिया था और इसने अपनी हाई लेवल को ऑलमोस्ट सेवन डॉलर को टच कर लिया विद इन टू और थ्री डेज अब हम जो है इसको वन और चार्ट के ऊपर कन्वर्ट करते हैं दैन हम इसका कुछ प्रिडिक्शन एंड एनालिसिस करते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी क्लियरली जो है एक चीज़ की समझ आ रही होगी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि तीन किस्म की कैंडल्स तीन छोटी रैली जो आपको बनते हुए देख सकते हैं फर्स्ट रैली जब क्रिएट हुई उसके बाद इस मार्केट को इसने स्टेबल किया दैन सेकेंड रैली की तरफ ये किया सेकेंड रैली जब क्रिएट हुई उसके बाद दोबारा इसने अपने आप को स्टेबल किया और थर्ड छोटी सी रैली क्रिएट की वही सिनेरियो अब हमें इस जगह पे बनता हुआ दिख रहा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोबारा मार्केट जो है अपने आप को स्टेबल करते हुए नजर आ रही है करंटली इस टाइम जो है लेजियो सिक्स पॉइंट वन एट डॉलर के करीब करीब जो है वो चल रहा है अब इसको थोड़ा सा मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो इस रैली में ऑलमोस्ट थ्री डॉलर का जो है गैप आया फिर यहाँ पे दोबारा थ्री डॉलर का गैप आया और अब ये जो रैली यहाँ पे स्टेबलाइजेशन की तरफ चल रही है ये ऑलमोस्ट एक एक दिन का यहाँ पे इनके दरम्यान गैप आ रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस तरह बाकी सारी फैन टोकन्स की जो मार्केट है वो इस टाइम पम्प है तो यहाँ से ये भी अपने नया ऑल टाइम हाई जो है प्रीवियसली इसके बाद से दोबारा ये क्रिएट कर सकता है अब यहाँ पे देखना ये है कि क्या ये दोबारा यहाँ से ही ऊपर निकल जाता है जैसा कि इसने ये थ्री फोर कैंडल्स जो बनाई थी या ये यहाँ से अपने आप को मार्केट को स्टेबल करेगा और यहाँ से अगर ये अपनी मार्केट को स्टेबल करता है तो इसको ऑलमोस्ट आधा दिन या एक दिन लगेगा उसके बाद ये अपनी एक नई रैली जो है वो क्रिएट करेगा और पॉसिबली ये अपने टेन डॉलर के जो इसका नया मार्कअप है उसको अचीव कर देगा तो ये कुछ इसके एनालिसिस है आपको इस कुछ चंद घंटों के अंदर इसके अंदर वो बेहतरी जो है वह देखने को मिलेगी इसने एक ही रेड लाइन क्रिएट की थी लेकिन ये दोबारा अपने आप को स्टेबल कर रहा है और ये वन और चार्ट के ऊपर आपको ईजीली यहाँ पे नेक्स्ट थ्री फोर कैंडल्स जो हैं इस ग्राफ के करीब करीब बनती दिखी बात कर लें बाकी सारे फैन टोकन की तो आपको ऑलमोस्ट हर फैन टोकन के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है प्रीवियसली हमने अल्पाइन के बारे में डिस्कशन की कल ये टू हंड्रेड प्लस हंड्रेड के करीब करीब जो है परसेंट अपवर्ड था अब इसके अंदर एक वापस जो है डंप आया है। लेकिन वो डंप आ, कल की वीडियो को अगर आप देखें तो यहाँ पे टेन डॉलर के करीब ही है ये फिफ्टीन डॉलर की तरफ जा भी सकता है या यहीं से रिटर्न भी ले सकता है कुछ ऐसे टोकन्स हैं जिनके अगर वॉल्यूम की हम बात करें तो ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा एक जंप किया है अल्पाइन के एग्जांपल आपके सामने है उसके बाद ये संतोस कल इसने भी बहुत ज़्यादा गेन किया था आप इसका वॉलीम देख सकते हैं और साथ ही इस टाइम जो है वॉल्यूम गेन करने वाला सबसे ज़्यादा जो फैन टोकन है वो ओ जी फैन टोकन है नेक्स्ट अपडेट जो है इस टोकन के ऊपर हम आपके पास लेकर आने वाले हैं और बाकी ट्रेंड आप देख सकते हैं इस टाइम जितने भी फैन टोकन्स हैं वो पॉजिटिव ट्रेंड शो करवा रहे हैं तो ये थी एक शॉर्ट क्विक अपडेट अबाउट लेजियो फैन टोकन और आप देख सकते हैं कि ये इस टाइम फुल जो है बुल रन के अंदर है और इस बुल रन के अंदर जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइम बाकी सारी की सारी मार्केट uh, जो है वो डाउनवर्ड है बट फैन टोकन जो हैं जितने भी हैं पेरेंट साइन जर्मन हो गया आपको यहाँ पे इस टाइम बहुत कम देखने को मिला है इसके अंदर पंप लेकिन ये पंपिंग अब इसके अंदर स्टार्ट हुई है बाकी आप अगर संतोस की बात करें तो कल का पूरा दिन हमें संतोस के अंदर एक पंप देखने को मिला आज इस टाइम ओजी एंड लेजियो जो है वो इस टाइम पंपिंग पे हैं कल अल्पाइन और uh, संतोस जो थे वो पम्प पे थे नेक्स्ट डे माइट बी पॉसिबल कि पेरेंट साइड जर्मन और uh, सी एच जी का हो सकता है थ्री डी का तो इसकी जो है अपडेट नेक्स्ट वीडियो में आपको देते हैं अभी तक के लिए इतना ही अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज़